चेक। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से और 38 दिन का इंतजार खत्म होने वाला है महाराष्ट्र में। कल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सुबह 11 बजे महाराष्ट्र के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो महाराष्ट्र में शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार, कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा राजभवन में। ये पूरा शपथ ग्रहण का समारोह होगा। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, कल कैबिनेट का विस्तार। अभी तक लगातार सवाल यही था एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से कि क्या दो नेता ही सिर्फ पूरी सरकार चलाएंगे, मंत्रिमंडल कब बनेगा। तो अब ये 38 दिनों का इंतजार खत्म हुआ और महाराष्ट्र से बड़ी खबर ये आ रही है कि कल मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। हालांकि पहली जो तारीख आई थी वो 5 अगस्त आई थी, लेकिन उस दिन कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं। और अब खबर ये मिल रही है कि कल सुबह 11 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा राजभवन में, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यानी 9 अगस्त को अब यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। विकास भदौरिया, कई तारीखें पहले सामने आ चुकी हैं जब खबर यह मिली थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्या ये आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, सूचना दे दी गई है कि कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री कार्यालय से इस बारे में जो विधिवत सूचना है वो राजभवन को जा चुकी है और राजभवन से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक का टाइम जो है वो रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। और बाकायदा इसकी तरफ बाकायदा मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से ये सूचना दी गई है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए कम से कम 17 से 20 मिनिस्टर्स आएंगे और उनकी सूचना जो है पूर्व सूचना आपको दी जाएगी। तो उसी के बाद ये खबर निकलकर सामने आई कि कल दोपहर 11 बजे के आसपास राजभवन के दरबार हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये दरबार हॉल वही है जहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अब बाकी कैबिनेट का इंतजार हो रहा था वो पूरा हो चुका है। जो मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ था वो भी अब स्थिति साफ हो चुकी है। गृह मंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को वो मंत्रालय दिया जाएगा। अभी तक जो मंत्रालयों का बंटवारा था वो भी अधर में अटका हुआ था। और जो जो प्रमुख मंत्री हो सकते हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे कोटे से, एकनाथ शिंदे कोटे से सभी को पता है कि जो 8 और मंत्री थे जो उद्धव सरकार में मंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा देके एकनाथ शिंदे का साथ दिया था, वो सभी के सभी मंत्री बनाए जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी कोटे से देखिए चंद्रकांत दादा पाटिल मंत्री बनाए जाएंगे जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था और बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी वहाँ पर। इसके अलावा सुधीर मुनगंटीवार का भी नाम है, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि सुधीर मुनगंटीवार या फिर आशीष सेलार, इनमें से अदला बदली भी हो सकती है क्योंकि एक कोई स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा यानी कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, चंद्रकांत दादा पाटिल हटेंगे और उनकी जगह तो या तो सुधीर मुनगंटीवार या फिर आशीष सेलार, ये कोई मंत्रिमंडल। तो मतलब विकास, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि फॉर्मूला मोटा मोटा तय हो चुका है कि कितने जो सांसद जो विधायक हैं मंत्री बनेंगे एकनाथ शिंदे गुट से और क्या क्या जो विभाग हैं उसका बंटवारा भी तय हो चुका है। आपने जो जिक्र किया कि एकनाथ शिंदे यानी उद्धव सरकार में जो मंत्री थे वो दोबारा एकनाथ शिंदे में भी मंत्री बनेंगे, क्या उनके विभागों में फेरबदल हो सकता है या वही वही विभाग मोटा मोटा माना जाए कि उन्हें दिया जाएगा? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल विभाग बदले जाएंगे और एकनाथ शिंदे का विशेषाधिकार कार्य कि वो कौन से विभाग दें। पिछली बार युति सरकार थी, ज़्यादा जो बड़े मंत्रालय थे वो कोशिश होगी शिंदे की। देखिए वित्त और गृह मंत्रालय को लेकर दबाव था और एकनाथ शिंदे चाहते थे कि ये दोनों मंत्रालय उनकी तरफ आ जाएं, लेकिन गृह मंत्रालय को बीजेपी किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं थी क्योंकि आपको पता है कि जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो गृह मंत्रालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंटेलिजेंस आपके पास सबसे पहले आता है। और इसका खामियाजा आपने देखा कि जब उद्धव सरकार से उसी के मंत्री और विधायक टूट के सूरत पहुंच गए और उन तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई क्योंकि जो गृह मंत्री था वो शिवसेना का नहीं था, सही समय पर उनको जानकारी नहीं मिल पाई और यही वजह है कि गृह मंत्रालय से सब कंप्रोमाइज़ नहीं किया बीजेपी ने। लेकिन जो बाकी मंत्री थे शिंदे गुट के वो सभी मंत्री बनाए जा रहे हैं, सभी कैबिनेट मंत्री होंगे। दादा भूसे हों, उदय सामंत हों, शंभूराजे देसाई हों, संदीप भोंगरे हों, सभी मंत्री बनाए जाएंगे और मंत्रालयों में जरूर फेरबदल। बिल्कुल ठीक है, आप नजर बना के रखिए, जैसे कोई और बड़ी सूचना आपको मिले फौरन हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आजादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा मुहिम चल रही है, क्या आपने अपने घर पर तिरंगा लगाया? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।